हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शुगर के अंदर क्या डाइट खाएं। दोस्तों, मेरे पास अक्सर शुगर के पेशेंट आते हैं जिनको शुगर बढ़ा हुआ है। उन सब का मेन दिमाग के अंदर एक ही रोल है, डॉक्टर साहब क्या खाएं क्या खाएं। तो मैं आज उन्हीं का ही सोल्यूशन लेके आया हूं आपके पास। शुगर के अंदर सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि शुगर के क्या लेवल होना चाहिए। देखो, हमारा जो सामान्य लेवल है, खाली पेट 100, खाना खाने के 2 घंटे के बाद 120 mg पर डीएल, और खाना खाने के बाद जब मर्जी किसी डॉक्टर के पास जाता है क्लिनिक पे या किसी लेबोरेटरी में जाता है और वो टेस्ट करा लेता है, तो 140। यानी ये मैंने आपको सामान्य रेंज बताई जो कि एक शुगर के पेशेंट की आम रूटीन में। इससे अगर नीचे आती है तो वो शुगर नहीं है, इससे अगर ऊपर आती है तो इसका मतलब उसके रक्त के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भी हमें शुगर के अंदर क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात करूंगा कि पहले फल हम बात करेंगे। फलों में क्या करना है आपने, केला, चीकू और अंगूर। द्वारा सुन लो, केला, चीकू और अंगूर, ये 3 फल ऐसे हैं जिसके अंदर प्रचुर मात्रा में शर्करा है, तो आपने ये 3 फल नहीं खाने। दूसरी बात क्या करना है दोस्तों, आलू, शकरकंदी, चावल, ये 3 आइटम मैंने उस चीज के अंदर बताई, ये भी आपने कम से कम मात्रा में सेवन करना है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो चीजें हैं ये शर्करा की मात्रा इनमें प्रचुर मात्रा में है। मतलब आपने अगर खाना भी पड़ जाए तो आपको बड़ा लिमिटेड वे में खाना है। क्योंकि अब आप कई मेरे दोस्त या मेरे जो शुगर के पेशेंट जो सुन रहे होंगे मेरी वीडियो को, कहेंगे जी खाएं क्या फिर डॉक्टर साहब। तो खाने के लिए आपने ये करना है कि उसकी मात्रा कम से कम लेनी है। यानी अगर मान लो आप प्लेट भर चावल खाते हैं तो आपने अब कटोरी भर खाना है। अगर आप आलू की पहले आप आलू की सब्जी बना के खा रहे थे तो अब आपने आलू की सब्जी को अकेले नहीं खाना। अब आपने जैसे मान लो हर सब्जी में आज अगर आलू डल रहा है तो आपने थोड़ी मात्रा में आलू का सेवन करना है ताकि आपकी शर्करा प्रॉपर वे में रह सके, ज्यादा ना बढ़े। अगर आपकी शर्करा ज्यादा बढ़ेगी तो देखो पहले जो अगर हम एलोपैथिक डॉक्टरों की बात करें, पहले 1 गोली चालू होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, ऐसे करते करते लोग इंसुलिन तक आ जाते हैं, यानी टीके तक लगवाने पड़ सकते हैं शुगर को कम करने के। तो अगर आपको उससे बचना है तो आज मैं जो डाइट प्लान अब बताने लग रहा हूं ये आप सबको अपनी डायरी में लिख लें। चाहे सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद लोगों के घर में या सभी एक आम रूटीन के अंदर चाय पीने की एक प्रचलन है। तो चाय जो लोग पीते हैं या जो दूध पीते हैं, आपने उसके अंदर क्या करना है, चाय फिक्की रखनी है या कम मीठे की रखनी है। उसके साथ में आटा के आप अपने बिस्किट तैयार करवा लें किसी भी बेकरी वाले से। आप अपने 2 आटे के बिस्किट, मतलब एक अपना पूरा किलो भर अपना पैकेट तैयार करवा लें, उसमें से आपने 2 बिस्किट आपने उसके चाय को कल्ली नहीं पीना, उसके साथ में सेवन करना है। अगर आप उसको सेवन करते हैं तो वो आपकी एक छोटी डाइट मानी जाती है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपने जैसे हम नहाने धोने के बाद हम तैयार हो जाते हैं, तैयार होने के बाद आपने हमारा जो सुबह का खाने का टाइम होता है उसके अंदर भरवा रोटी खा सकते हैं आप। भरवा रोटी में मूली, उसके अंदर मेथी, उसके अंदर गोभी, आप इस तरह से भरवा रोटी के फॉर्म में खा सकते हैं। पराठे नहीं खाने, पूरी नहीं खानी, भटूरे नहीं खाने, यानी हमें इस तरह की ऑयल से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? क्योंकि वो हमारी शर्करा को बढ़ा देगी। दूसरी बात फिर आ जाता है हमारा 11 बजे का समय, क्योंकि हमारा पेट जो है दोस्तों 4 घंटे के बाद खाली होना ही होना। जब आप 8 बजे के बाद 11 बजे के बीच में आते हैं तो हल्का सा हमारा पेट थोड़ा सा भूख की तरफ चलता है। तो और शुगर के पेशेंट को, जैसे कि आप खुद जानते हैं, क्योंकि जो आपको पता ही है शुगर के पेशेंट को भूख ज्यादा लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, तो आपको बार बार भूख लगती होगी। तो आपने क्या करना है, 11 बजे अपना एक फ्रूट टाइम बनाना है। फ्रूट टाइम यानी उस टाइम आपने कोई भी एक फल, जो भी क्रिकेट की गेंद जितना कोई भी फल हो, चाहे उसके अंदर एक सेब हो, चाहे उसमें एक अनार हो, कोई भी एक फल खाना है। ऐसे ही इकट्ठा नहीं कि भी आपने फल को अपना एक प्लेट में काट लिया, काफी सारे सेब काट लिए, 3-4 अनार काट लिए, ऐसा नहीं खाना दोस्तों। कि आपने गिनती का 100 ग्राम का, यानी क्रिकेट की गेंद जितना कोई भी एक फल, अमरूद भी हो सकता है वो, कोई भी मतलब जो भी सीजन में आए फल वो कोई भी आप खा सकते हैं, लेकिन केला, चीकू, अंगूर नहीं खाना। उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, 2 बजे या 1:30 बजे जो भी हमारा लंच टाइम होता है, लंच टाइम के अंदर आपने एक ऐसी थाली तैयार करनी है जिसके अंदर थोड़े से चावल, जितने में मतलब आपका स्वाद पूरा हो जाए, थोड़े से चावल, थोड़ी मतलब उसके अंदर सब्जी 2-3 तरह की जो भी घर में बनी हो, 2-3 चपाती और साथ में रायता या दही जो घरों में होती है, इस तरह की मिली जुली अगर आप थाली अपनी एक तैयार करेंगे तो उससे आपको जो आजकल मैंने देखा कि लोग कह देते हैं कि पैरों में कीटियां सरलाती हैं,
भाई सुनपना आ गया है, वो वाली चीजों से आप बचोगे, क्योंकि इसमें अपने आपके सारी तरह के विटामिन छुपे हुए हैं। दही में अपना अलग विटामिन है, रोटी में अपना अनाज वाला विटामिन है जिसमें थायमिन जिसको हम बोलते हैं ना, इस तरह से सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ऐसे ही दोस्तों फिर हमारा 5 बजे का समय आ जाता है, 5 बजे टी ब्रेक बोलते हैं जिसको, टी ब्रेक टाइम। अगर जिसका चाय का पीने का मन करे तो वो चाय के साथ में फिर वही 2 आटे के बिस्कुट ले लें। कई बार क्या होता है कि हम कई बार कह देते हैं एसिड बन गया जी, हम चाय नहीं पियेंगे, तो उसमें क्या करना है, उसको फिर भी आपने उस ब्रेक टाइम को अपना यूज करना है। उसमें क्या करना है, आप दोस्तों आप या तो फुल्ली के दाने जो होते हैं जिसको लोग पॉपकॉर्न बोलते हैं, या तो पॉपकॉर्न आप खा सकते हैं उसके अंदर, या उसके अंदर आप भुने हुए छोले खा सकते हैं। इस तरह से मतलब आपने एक डाइट लेनी है, जिससे क्या होगा आपका जो शर्करा का लेवल है वो मेंटेन रह सके। फिर अगर हम और आगे चलते हैं तो हमारा रात्रि भोजन आ जाता है। रात्रि भोजन में हम 8-9 बजे का टाइम जिसमें बोलते हैं, 8-9 बजे के अंदर हल्का भोजन आपने करना है। बोला भी गया है दोस्तों सुबह का भोजन जो होता है राजाओं की तरह खाएं, यानी रज के खाएं, दोपहर का भोजन थोड़ा सा उससे कम खाएं, और रात्रि का भोजन बिल्कुल अल्पाहार में खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर हमें सोना होता है, ताकि वो सुपाच्य भोजन हो, पच सके हमारे को। हल्का भोजन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, खिचड़ी, दलिया, घिया, तोरी, इस तरह की जो पचने वाली चीजें, आराम से पचने वाली, हमारी आंतों में भी जाएं तो हमें भी लगे कि नहीं भी उनमें कुछ उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आप उस तरह से अपना भोजन खाएं वो रात का। उसमें एक आधी चपाती आपको जितना भी आपने लेना है उस हिसाब से आप लें। और मैं ये कहूंगा दोस्तों पेट भर के ना खाएं रात्रि को। उसके बाद फिर क्या करना है, आप 9-10 बजे एक गिलास दूध का जो हमारे घरों में प्रचलन है वो दूध पी लें। दूध में आप ये देखेंगे कि कम मिठ्ठे का दूध पिए। इस तरह से अगर हम बात करें तो इसमें हमारे क्या है, 3 बड़े और 3 छोटे, 6 खाने हमारे तैयार हो गए। अगर हम ईसीजी ग्राफ को देखते हैं तो ईसीजी ग्राफ में क्या होता है, अप डाउन चलता है। अगर हम 3 खाने करते हैं, देखो 3 खाने करते हैं तो क्या हुआ, 3 ईसीजी ग्राफ बने बड़े बड़े। अगर इन चीजों को मैं 6 में डिवाइड कर देता हूं, 6 में, तो क्या होगा, ईसीजी ग्राफ के जो वर्क है ये छोटे बन गए। ये छोटे बनने से क्या होगा दोस्तों, हमारा शुगर का लेवल थोड़ा बढ़ा फिर घट गया, थोड़ा बढ़ा फिर घट गया। इसमें भी अगर हम क्या करते हैं, हम शुगर की जो दवाई हमारे को जिस भी हम चिकित्सा हम जिस चीज की भी ले रहे हैं, चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हैं चाहे एलोपैथिक ले रहे हैं, तो उस चीज की अगर चिकित्सा के हिसाब से हम उसकी दवाई अगर हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं और बीच में हम अपनी मील को रखते हैं, खाने को रखते हैं, उससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा जो भी पूरा का पूरा शेड्यूल है, यानी शुगर हमारी बढ़ ही नहीं पाएगी। अगर बढ़ नहीं पाएगी तो वो क्या होगी, हमारी आंखों पे, हमारे गुर्दों पे और हमारे हाथ पैरों को वो डैमेज नहीं कर पाएगी। क्योंकि आपने देखा ये 3 जगह हमारी शुगर मार करती है, आंखों पे मार करती है, किडनीज पे मार करती है, और हमारे हाथ पैरों को डेड कर देती है, यानी हाथ पैरों के अंदर सेंसेशन खत्म कर देती है। तो दोस्तों इस तरह से आपने हमारा डाइट प्लान करना है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आप अपना एक आटा इस तरह से तैयार करवाएं जिसके अंदर आप अगर 1 किलो गेहूं ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने 0.5 किलो उसके अंदर काले चने पिसवाने हैं, 0.5 किलो चने पिसवाने हैं, 1 पाव उसके अंदर जौ पिसवाने हैं, 1 पाव उसके अंदर आपने बाजरा पिसवाना है। इस तरह का रड़ा मिला आटा आप अपना तैयार कर लें। ये मैंने 1 किलो के हिसाब से बताया। इसी चीज को आपने जितने किलो आटा तैयार करवाना है, 20 किलो करवाना है तो 20 के हिसाब से हो जाएगा, 50 किलो बनवाना है तो 50 के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप अपने घर का प्योर चीज पिसवाते हैं तो आपके लिए रामबाण है ये, क्योंकि अपनी चीज की हमें पता होती है कि हम क्या पिसवा रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस जानकारी को अधिक से अधिक सभी के पास शेयर करें, यही इस मेरा मेन मकसद यही है कि ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी हर लोगों तक जाए और शुगर के जो मेरे भाई लोग जो परेशान हैं उन तक तो जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय आयुर्वेद, धन्यवाद।